Hello students, welcome back to Ompur Classes, the competition venture of Science Commerce Academy, Dharamshala. I'm your chemistry educator, Payal. And beta, we are starting with our new series, especially for board class, class 12th. And beta, we are going to start with our first chapter, that is your solution. And solution ko hum log kya karenge, beta? Pura detail mein pehle hum iski theory ko samjhenge. Then we will attempt questions and we are going to do some PYQs, okay? अब बेटा चैप्टर क्या बोल रहा है, सबसे पहले तो नाम से समझते हैं कि व्हाट इज सॉल्यूशन टेलिंग अस, कि देखो सॉल्यूशन होता क्या है हमारे पास. इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस जिसके कॉम्पोजिशन हमें, देखो हमें क्लियर सी बात है, हमें क्या बोला है बेटा कि हमारे पास सॉल्यूशन क्या होता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर है. ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर किस चीज का है, टू और मोर सब्सटेंसेस का. कि मान लो मेरे पास कोई ए है हमारे पास, ठीक है, सब्सटेंस, और बी सब्सटेंस जो है ये दोनों मिक्स होके क्या बना रहे हैं, दे आर मेकिंग अ सॉल्यूशन. ठीक है, तो किसका कॉम्पोजिशन आ गया यहाँ पर, ए बी का. ठीक है, एक और बी, हमने बोला ना कि टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस, तो अभी तो मैंने टू लिए हैं, यू कैन टेक मोर देन टू बी. ओके ओके, अब बेटा ये क्लास नाइन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं दैट सॉल्यूशंस जो होते हैं दे आर मेड अप ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब मिलके क्या बनाते हैं हमारे पास, दे फॉर्म सॉल्यूशन. अब आपको हमेशा याद रखना है दैट सॉल्यूशन हैज ओनली वन सॉल्वेंट. सॉल्वेंट एक हो सकता है बट सॉल्यूट जो है दैट कैन बी मोर. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बेसिक चीज आपको बोलूं तो जैसे देखो हमें पता है सॉल्यूट और दूसरा मैंने क्या बोला सॉल्वेंट, है ना. अब सॉल्यूट के लिए मैंने बोला कि सॉल्यूट कैन बी मोर देन टू और सॉल्वेंट क्या होगा आपके पास, सॉल्वेंट इज गोइंग टू बी वन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मुझे क्या बनाना है, आई वॉन्ट टू हैव अ ग्रीन टी, जस्ट इमेजिन, तो आप क्या लोगे, यू आर गोइंग टू टेक वॉटर एंड यू आर गोइंग टू टेक वॉट, टी लीव्स. ठीक है, और टी लीव्स के साथ मान लो फॉर एग्जाम्पल जस्ट फॉर अ टेस्ट वी आर एडिंग अ शुगर. ओके, शुगर सिरप हमने डाला, तो देखो व्हाट यू हैव टेकन, सॉल्यूट आपने टू लिए एंड सॉल्वेंट आपने सिर्फ क्या लिया, वन लिया. तो ऐसा उसे हमने क्या बोला कि यू ओनली हैव वन सॉल्वेंट बट सॉल्यूट जो है दैट कैन बी और मोर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज योर सॉल्यूशन. अब बेटा सॉल्यूशन जो होते हैं हमारे पास, दे आर थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ, जैसे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं, वी हैव अ बाइनरी सॉल्यूशन, वी हैव अ टर्नरी सॉल्यूशन एंड वी हैव अ क्वार्टनरी सॉल्यूशन. अब अगर बेटा मैंने सॉल्यूट भी एक लिया है, सॉल्वेंट भी एक लिया है, आपके सिलेबस में यही है. ठीक है, सॉल्यूट भी वन है, सॉल्वेंट भी वन है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, दोज आर योर बाइनरी सॉल्यूशंस. अगर बेटा मैंने सॉल्यूट टू ले लिए हैं और सॉल्वेंट हमारे पास वन है, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, दोज आर योर टर्नरी सॉल्यूशन. सेम इसी तरह से क्वार्टनरी में क्या होगा, वी हैव अ थ्री सॉल्यूट एंड वन सॉल्वेंट, तो दैट इज योर क्वार्टनरी सॉल्यूशन. ठीक है, ओके. नेक्स्ट बेटा वी हैव अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन होता कैसे हमारे पास. देखो फर्स्ट हमने डेफिनेशन में बोला दैट इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर. ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर क्या है, कि कोई दो चीजें वो आपस में क्या है, पूरी तरह से क्या हो जा रही है, मिक्स हो रही है हमारे पास, अपनी प्रॉपर्टीज को वो छोड़ भी नहीं रही है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया है NaCl, NaCl को हम वाटर में डाल दें तो मेरे पास क्या बन जाएगा, वी आर गोइंग टू गेट वॉट, वी आर गोइंग टू गेट योर सॉल्ट सॉल्यूशन. ठीक है, अब ये जो सॉल्ट सॉल्यूशन है उसके अंदर हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट है, जो भी अगर मैंने बीकर लिया है तो इस बीकर के अंदर क्या प्रेजेंट है, वाटर के अंदर ऐसे तो दिख नहीं रहा होगा ना तुम्हें कि सॉल्ट है हमारे पास, बट व्हेन यू विल ड्रिंक इट ये कैसा वाटर होगा, सॉल्टी वाटर होगा. तो देयर आर प्रॉपर्टीज ऑफ NaCl ऑल्सो एंड वाटर ऑल्सो. ठीक है, तो इसीलिए द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आ गया हमारे पास. नाउ सेकेंड, इट इज मेड अप ऑफ टू पार्ट, ऑब्वियसली वी नो दैट, हमने भी पढ़ा किस किस से मिलकर बनता है, सॉल्यूट एंड अ सॉल्वेंट. ठीक है, अब किसे हमने सॉल्यूट लेना है, किसे हमने सॉल्वेंट लेना है, दैट डिपेंड्स ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ द कॉम्पोनेंट. कि अगर मैं बोल रही हूँ कि सॉल्यूट लिया हमारे पास, वी हैव अ सॉल्वेंट, तो मुझे अगर दो कॉम्पोनेंट दिए हैं ए एंड बी, अब मुझे क्या पता कि कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है हमारे पास, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, दैट डिपेंड फिजिकल स्टेट के ऊपर. ओके, थर्ड कैरेक्टर वी हैव इज द कॉम्पोनेंट विच हैज द सेम फिजिकल स्टेट इन प्योर फॉर्म एज वेल एज इन अ सॉल्यूशन. ठीक है, उसे हम बोलेंगे सॉल्वेंट. देखो अभी यहाँ पे बोला ना कि फिजिकल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, तो कैसे फिजिकल स्टेट देखना है हमें, देखो जिसका भी आपके पास फिजिकल स्टेट प्योर स्टेट में भी वही है और आपके पास सॉल्यूशन फॉर्म में भी वही है, उसे आप बोलेंगे सॉल्वेंट, और जो दूसरा होगा दैट इज गोइंग टू बी योर सॉल्यूट. देखो फॉर एग्जाम्पल
मैंने लिया शुगर, ठीक है। अब शुगर में हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं बेटा, वी आर एडिंग वाटर, ठीक है। शुगर कैसा है फिजिकल स्टेट, सॉलिड। वाटर कैसा है, लिक्विड। बन क्या रहा है, वी आर गेटिंग व्हाट, शुगर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में। तो वाटर ने अपनी प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या रही वाटर की, सेम रही ना, और शुगर की प्रॉपर्टी क्या होगी, चेंज होगी, वो सॉलिड से किस में डिजोल्व हो चुका है, लिक्विड में हमारे पास, तो सॉलिड तो रहा नहीं हमारे पास, तो वाटर क्या है हमारे पास, वाटर इज सॉल्वेंट। क्यों, क्योंकि उसकी फिजिकल स्टेट उसकी प्योर फॉर्म में भी सेम है और लिक्विड में भी, सॉरी सॉल्यूशन में भी क्या है, सेम है, ठीक है। आई होप थर्ड कैरेक्टर से क्लियर है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास फोर्थ, इफ बोथ द कंपोनेंट्स हैव सेम स्टेट, व्हाट इफ कि अगर जो भी मैंने सॉल्यूशन लिया है, ए है मेरे पास दैट इज सॉलिड, बी है मेरे पास दैट इज आल्सो सॉलिड, एंड जो मेरे पास सॉल्यूशन बन रहा है दैट इज आल्सो व्हाट, सॉलिड। तो दोनों का स्टेट क्या है हमारे पास, सेम है ना बेटा। तो एट दिस केस कौन सा हमने एक्सेस लिया है, क्या हम ए को एक्सेस में ले रहे हैं या बी को एक्सेस में ले रहे हैं, तो जो भी हमने एक्सेस में लिया होगा दैट इज गोइंग टू बी योर सॉल्वेंट, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट इज गोइंग टू बी योर सॉल्यूट, ठीक है। आई होप कैरेक्टरिस्टिक सबको क्लियर है, हमने वी हैव स्टडीड द फोर कैरेक्टरिस्टिक, तो इनका ये मतलब था। ओके नेक्स्ट बेटा, वी हैव अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो बेटा, फर्स्ट लेक्चर ना बहुत बेसिक होता है हमारे पास, चैप्टर का लेवल धीरे 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 बढ़ता जाता है, बट बेसिक्स अगर क्लियर हो गए ना तो बहुत अच्छा रहेगा हमें चैप्टर को पूरा डिटेल में अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। ओके अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये तीनों बातें भी मुझे पता आपने नाइन्थ में पढ़ी होंगी और क्लियर भी होंगी आपको। देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन से होते हैं बेटा, मान लो मैंने क्या किया है, एक बीकर लिया, ठीक है, इसमें आई हैव अ लिक्विड, टेम्परेचर हमें रूम टेम्परेचर ही बोला है कि रूम टेम्परेचर रखना है, ठीक है। अब मैंने क्या किया है कि इस सॉल्वेंट में आई एम एडिंग द सॉल्यूट, सॉल्यूट ऐड किए जा रही हूँ, ठीक है। एक पॉइंट आएगा जिसके बाद सॉल्यूट डिसॉल्व होना क्या हो गया है, बंद हो गया है, मतलब एक पॉइंट आया मेरे पास, उसके बाद अब क्या है हमारे पास, सॉल्यूट अब डिसॉल्व नहीं हो रहा है और मैं उसको डिसॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ, बट नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, दोज आर योर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, द सॉल्यूट सॉल्यूशन कैन नॉट डिसॉल्व एनी मोर सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है। अगर फिर भी समझ नहीं आया, मान लो एग्जाम्पल मैंने बीकर में क्या किया, पहले मेरे पास था 10 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है, या 10 ml ऑफ वाटर लेते हैं, ठीक है। मैंने 2 spoon ऑफ शुगर डाला, ऐड हो गया, फिर मैंने क्या किया, मैंने 8 spoon ऑफ शुगर डाला, अभी भी ऐड हो गया, मैंने फिर क्या किया, फर्दर 3 spoon ऑफ शुगर डाले, अब ऐड हो गया, अब क्या किया मैं, अब फर्दर इसमें 1/2 spoon जो है वो शुगर का ऐड कर रही हूँ, बट अब क्या है वो सॉल्यूशन में फर्दर मोर डिसॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि मेरा जो सॉल्वेंट है वो क्या हो गया है, बहुत कम है और सॉल्यूट बढ़ रहा है मेरे पास, तो वो जो पॉइंट होगा जिसमें फर्दर मोर हम जब सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं अब वो उसमें डिसॉल्व होना बंद हो चुका है, दैट पॉइंट इज योर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। ओके नेक्स्ट वी हैव इज योर नेक्स्ट जो हमारे पास है इसमें देखो सिक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कैन डिसॉल्व मोर सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर, कि ठीक है आपको एक बीकर दिया है उसमें आपके पास लिक्विड प्रेजेंट है, आपने क्या किया सॉल्यूट ऐड कर रहे हो, जितना मन किया वो उतना ऐड कर रहे हो और वो डिसॉल्व हुए जा रहा है, ठीक है। जब तक वो डिसॉल्व हो रहा है दोज आर कॉल्ड योर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस, ठीक है बेटा। देन नेक्स्ट आता है वी हैव विद योर सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है बेटा हमारे पास, बेसिक लैंग्वेज में समझे कि मैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन को आई कैन कन्वर्ट इनटू आपके पास अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में, मतलब देखो अगर मैं एक बात करूं, हम सब ने किचन की बात करते हैं, है ना, मैंने क्या किया है कि गैस के ऊपर कुछ भी स्टॉव के ऊपर कुछ रखा है, हमने क्या किया कि मैंने डाला है मान लो 1/2 bowl ऑफ इसमें वाटर ऐड किया, और मैंने क्या किया कि 1 full bowl क्या डाल दिया आपने, शुगर का डाल दिया। अब देखो क्या है, वाटर कम है शुगर क्या है ज्यादा है हमारे पास, बट मैंने क्या किया कि टेम्परेचर किया टेम्परेचर दिया तो उसमें क्या बन जाता है कि हमारे पास एकदम वो चाशनी बन जाती है ना, तो चाशनी इज व्हाट, वो क्या है हमारे पास, दैट इज योर सॉल्यूशन। आपने क्या किया कि जब हमने बोल दिया था दैट नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्वड एट अ गिवन टेम्परेचर, स्टिल उस टेम्परेचर पे हमने उस सॉल्यूट को डिसॉल्व किया, सॉरी टेम्परेचर चेंज करने पे हमने क्या किया सॉल्यूट को डिसॉल्व किया,
अब मेरा सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व हो भी गया है, ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूशन जिनका टेम्परेचर या कोई भी कंडीशन चेंज करने से हमने क्या किया है, वी हैव कन्वर्टेड सैचुरेटेड सॉल्यूशन इनटू अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो वही बोल सकते हैं सॉल्यूशन विच हैज मोर सॉल्यूट देन इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन से भी ज्यादा सॉल्यूट है बट हमने उसे क्या किया है, डिसॉल्व कर दिया है। दो सच सॉल्यूशंस आर कॉल्ड योर सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। ओके नेक्स्ट वी हैव इज योर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब बेटा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हमारे पास देखो, हम सिंपल समझेंगे, अगर मैंने लिया है सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे कि क्या बनेगा। देखो सॉल्यूट लिया है हमने कम, ठीक है, गैस है, सॉल्वेंट है हमारे पास गैस, गैस इन गैस मिक्सचर क्या किया हमने, मिक्सचर ऑफ गैसेस। हम बोलते हैं ना ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट है, हमारे पास एयर में प्रेजेंट है, तो एयर में तो बाकी गैसेस भी प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन भी किस में प्रेजेंट है, एयर में प्रेजेंट है, तो इनका जो मिक्सचर है हमारे पास दैट इज योर गैस इन गैस, ठीक है। तो गैसेस सॉल्यूशन आ गया। अब सेकेंड है हमारे पास कि हमने क्या किया है, लिक्विड लिया, तो इस लिक्विड में हम क्या कर रहे हैं, लिक्विड में ये लिक्विड आ गया सॉल्यूट, ठीक है, और गैस आ गया हमारे पास सॉल्वेंट। इसमें हमारे पास क्या है, वाटर वेपर्स इन एयर, ठीक है। हमने क्या किया, एयर है, एयर के अंदर होते हैं ना वाटर वेपर्स प्रेजेंट है हमारे पास, तो वाटर क्या आ गया, लिक्विड है हमारे पास, एयर क्या है, ज्यादा प्रेजेंट है, एयर बड़े अमाउंट में प्रेजेंट है, वाटर कम अमाउंट में प्रेजेंट है हमारे पास, तो हमारे पास सॉल्यूशन कौन सा हो गया, ये हमारे पास दिस इज एग्जाम्पल ऑफ कि लिक्विड एंड गैस, ठीक है। अब सॉलिड एंड गैस में क्या आ गया, सी हमारे पास एयर में क्या प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट है ना एयर में, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट है या स्मोक पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो एयर ज्यादा अमाउंट में है हमारे पास और सॉलिड क्या है, कम अमाउंट में प्रेजेंट है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट आ गया बेटा हमारे पास गैस एंड लिक्विड, ठीक है। देखो अब आपने सबको पता है कि हम जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, ठीक है, उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं हमारे पास, लिक्विड ज्यादा होता है हमारे पास, और हमें पता है हमारी सोडा में क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी तो लिक्विड के अंदर क्या है, डिजॉल्व्ड है, गैस कम है हमारे पास और लिक्विड क्या है, ज्यादा है हमारे पास, तो ठीक है, वो क्या है, किस चीज का एग्जाम्पल हो गया हमारे पास, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ गैस एंड लिक्विड, ठीक है। लिक्विड इन लिक्विड के तो आपके पास बहुत से एग्जाम्पल्स आ जाएंगे, जैसे कि हमारे पास वी हैव अल्कोहल इन वाटर, अल्कोहल भी लिक्विड फॉर्म में है, वाटर भी लिक्विड फॉर्म में है, तो लिक्विड इन लिक्विड, ठीक है। अब ओके, अब हमारे पास क्या है, सॉल्यूट हमने लिया सॉलिड और हमने क्या लिया, सॉल्वेंट लिया लिक्विड, इसका तो एग्जाम्पल शुगर आ गया, शुगर क्या है, सॉल्यूट, कम क्वांटिटी में लिया, वाटर क्या है, ज्यादा क्वांटिटी में लिया हमारे पास, तो ये आ गया आपके पास सॉल्वेंट, ओके। देन बेटा वी हैव इज योर गैस इन सॉलिड, ठीक है, जैसे कि हमारे पास हम एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं, एडसॉर्प्शन वगैरह पढ़ोगे तो उसमें हाइड्रोजन जो है ओवर पैलेडियम, ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, गैस इन सॉलिड, ठीक है। वी हैव अ नेक्स्ट लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड क्या है, मर्क्यूरी हमारे पास लिक्विड आ गया, सॉलिड गोल्ड आ गया हमारे पास, तो ये आ गया लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड, हम एलॉयज के बारे में पढ़ते हैं, तो एलॉयज क्या होते हैं, सॉलिड में सॉलिड मिक्स करके कुछ नया सॉलिड बना दिया हमने, एलॉयज फॉर्म कर दिए हमने, दीज वर योर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, गैसेस सॉल्यूशन आ गए, लिक्विड सॉल्यूशंस आ गए एंड सॉलिड सॉल्यूशंस आ गए, जिसमें सॉल्वेंट हमारे पास गैस है, ये तीनों, दीज आर योर गैसेस सॉल्यूशन, दीज आर योर लिक्विड सॉल्यूशन एंड दीज आर योर सॉलिड सॉल्यूशंस, ठीक है, जिसमें सॉल्वेंट ज्यादा होगा उस टाइप का हमारे पास क्या बनेगा, सॉल्यूशन बन जाएगा, ओके ओके। नेक्स्ट बेटा अब हमें कैसे पता चलेगा कि सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है, सॉल्वेंट कितना प्रेजेंट है, और ये जो है हमारे पास ये हमें पता चलता है विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। अब देखो सॉल्यूशंस को कैसे एक्सप्रेस करते हैं हम, कॉम्पोजिशन ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय एक्सप्रेसिंग इट्स कॉन्सेंट्रेशन, कितना सॉल्यूशन बना है, सॉल्यूशन के अंदर कितना मेरे पास बेटा सॉल्यूट प्रेजेंट है, कितना मेरे पास बेटा सॉल्वेंट प्रेजेंट है, वो हमें कौन बताएगा, वो हमें किससे पता चलेगा, विद द हेल्प ऑफ अ कॉन्सेंट्रेशन, किसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है, किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इस तरह से पता करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम लोग जो ये डिस्कस करते हैं कंसंट्रेशन टर्म को, वो टू बिहाफ पे आता है, वन इज क्वालिटेटिवली, सेकंड इज योर क्वांटिटेटिवली,
ठीक है, दोनों को समझेंगे क्वालिटेटिवली कैसे एंड क्वांटिटेटिवली कैसे। ठीक है, क्वालिटेटिवली में बेटा हम लोग क्या बात करते हैं कि जो सॉल्यूशन है, हम कई बार बोलते हैं ना, हमें पता है कि सॉल्यूशन डाइल्यूट बोलेंगे या फिर हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड बोलेंगे। तो अगर मैंने बोला सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, डाइल्यूट का मतलब क्या हुआ हमारे पास, दैट योर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कि डाइल्यूट है, मतलब मेरा सॉल्यूट कम है और जो बेटा मेरा सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो हमने ये बोला दैट स्मॉल क्वांटिटी होगी आपके पास सॉल्यूट की, ठीक है, और सॉल्वेंट की क्वांटिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि अगर आपको बोला है कि सॉल्यूशन इज कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड का क्या मतलब है कि मेरा जो सॉल्यूट वहां पे प्रेजेंट है उसका जो अमाउंट है दैट इज हाई, मतलब लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट जो है हमारे पास दैट इज योर प्रेजेंट। ओके ओके, नेक्स्ट है बेटा हमारे पास क्वालिटेटिवली हो गया, नेक्स्ट क्वांटिटेटिवली। अब there are several ways की जिससे हम क्या है कि quantity, मतलब quantity base पे बता सकते हैं, क्योंकि इतना quantity solute का present है, इतना quantity आपके पास solvent का present है। ठीक है, तो उसी में बेटा first हमारे पास जो term है that is your mass percentage weight by weight। ठीक है, तो mass percentage हम कैसे calculate कर सकते हैं, mass of the component in the solution divided by total mass of the solution। ठीक है, और परसेंटेज कैलकुलेट करना है इनटू 100, मतलब कि हमें कई बार बोला होता है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे बोला है कि 10% ऑफ ग्लूकोज इन वाटर। अब कभी कॉम्पोजिशन देखना कि जो भी आप घर पे भी जूसेस वगैरह लाते हो या फिर कुछ भी होगा उसमें कॉम्पोजिशन लिखी होती है, कहीं पे भी किसी मेडिसिन में भी ऐसा लिखा है कि 10% ग्लूकोज इन वाटर या समथिंग लाइक दिस बाय मास। ठीक है, तो उसका क्या मतलब होता है, देखो मतलब है उसका कि 10 ग्राम वहां पे क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट है, और 10 ग्राम का ग्लूकोज किसमें डिसॉल्व किया गया है, 90 ग्राम ऑफ वाटर, और सॉल्यूशन कितने का बना हमें, 100 ग्राम का बना। ठीक है, तो हमें अगर जिसका भी मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है उस कंपोनेंट का हमारे पास क्या मास है सॉल्यूशन के अंदर, मास ऑफ दैट कंपोनेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय पूरे जिसका सॉल्यूशन है उसका मास कितना है, इनटू क्या करेंगे हम, 100 कर देंगे। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि 20% ऑफ NaCl इन वाटर, ठीक है, 20% ऑफ NaCl इन वाटर बाय मास, तो मतलब क्या हुआ यहाँ पे, क्लियरली देखो सॉल्यूशन हम लेंगे 100 का, ठीक है, 100 ग्राम का हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे ग्राम क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज हम दोनों ही चीजें क्या ले रहे हैं, वेट में ले रहे हैं, मास भी हम वेट में ले रहे हैं, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन भी वी आर टेकिंग इन अ वेट। ठीक है, तो हमारे पास हमने बोला कि 100 ग्राम का जब मैं सॉल्यूशन बना रही हूं तो मैंने उसमें तो पहले ही बोल दिया कि 20 ग्राम तो आपके पास है NaCl। ठीक है, तो 20 प्लस इतना कितना होगा कि 100 बन जाएगा, तो 80 ना, तो 80 ग्राम क्या हो गया बेटा हमारे पास यहाँ पर वाटर प्रेजेंट है, ये क्या आ गया मास परसेंटेज हमारे पास। ठीक है, ओके, सेकेंड क्वांटिटेटिवली हम कैसे पता कर सकते हैं, दैट इज वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट जो भी है हमारे पास है एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, इनटू 100 करेंगे। ठीक है, अब एग्जांपल समझो, मतलब क्या है, मान लो आपको बोला है दैट 10% ऑफ इथेनॉल सॉल्यूशन, ठीक है, 10 कितना दिया हमें, 10% ऑफ इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर, कि अगर आपके पास 10% इथेनॉल सॉल्यूशन है वाटर में, मतलब क्या हुआ कि हमारे पास 10 ml इथेनॉल है सॉल्यूशन, अभी भी हमें कितने का बनाना है, वी हैव टू मेक द सॉल्यूशन ऑफ 100 का, तो हमारे पास 90 ml क्या होगा, 90 ml इज गोइंग टू बी योर वाटर, और 100 ml का क्या बन गया आपके पास सॉल्यूशन। अब जब हमने हमारे पास बेटा वेट बाय सॉरी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कब चलेगा, जब आपके सॉल्यूशन जो है दोनों ही उसमें क्या है, लिक्विड्स है। ठीक है, कॉमनली एक्सप्रेस टर्म कौन सी आपके पास, लिक्विड प्रेजेंट है, दैट इज योर वॉल्यूम परसेंटेज। इनके ऊपर डोंट वरी, वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चंस नेक्स्ट हमारे लेक्चर में कि किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे इसके ऊपर या कैसे क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन अ डिटेल। ओके ओके, देन नेक्स्ट है बेटा हमारे पास मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या है, ये भी आपकी मोस्टली कहाँ यूज किया जाता है, मेडिसिन में, फार्मेसी में। जैसे कि मान लो आपको क्या बोला है, इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्वड इन 100, डिसॉल्व किया है हमने और क्या बनाया आपने पास, 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन में। ठीक है, तो वेट मान लो कि आपको बोला है कि हमारे पास क्या है, 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट जो है दैट इज डिसॉल्वड इन योर 80 ml ऑफ
लिक्विड, जो भी लिक्विड दिया है हमें, और हमारे पास क्या बन रहा है 100 ml का, क्या बन रहा है हमारे पास 100 ml का आपके पास बन गया सॉल्यूशन। तो ये है आपके पास वेट बाय वॉल्यूम, मतलब जैसे सी यहाँ पे आप क्या ले रहे थे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और वहां पे वेट बाय वॉल्यूम में क्या लेंगे, यहाँ पे आपके पास वेट आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। ओके, तो दीज वर द थ्री टर्म्स क्वांटिटेटिवली। अगर मुझे कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करनी है सॉल्यूशन की, जिसकी भी करनी है आपको, सॉल्यूट सॉल्वेंट की, तो हम कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ अ मास परसेंटेज, ठीक है, और दूसरा वॉल्यूम परसेंटेज, थर्ड वी हैव अ मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, कि वेट ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन जो भी हमारे पास होगा। ओके ओके, नेक्स्ट आ जाओ हमारे पास, दैट इज योर पार्ट्स पर मिलियन। नाउ पीपीएम में हमारे पास, आपको अगर पीपीएम के ऊपर क्वेश्चन आया तो व्हाट यू हैव टू सी, पीपीएम में हम सिंपल बोलते हैं कि बहुत ट्रेस क्वांटिटीज प्रेजेंट होंगी, बहुत ही छोटी क्वांटिटीज जो है वो हमारे पास प्रेजेंट है किसी बड़े अमाउंट में, ठीक है। तो पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है कि कितना नंबर ऑफ पार्ट जो है कंपोनेंट का, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इनटू पार्ट्स पर मिलियन, है ना, मिलियन पर मिलियन की बात हो रही है, तो इसलिए 10^6, ठीक है। मतलब आपको कोई भी कंपोनेंट दिया होगा कि इतना हमारे पास कंपोनेंट है, जो भी आपके पास एक्स वाई जेड है, डिवाइडेड बाय टोटल किसमें है निकालना है हमें, ठीक है। मान लो कि सल्फर का कॉन्सेंट्रेशन बताओ हमारे पास किसमें, आपके पास पूरा क्या कहते हैं एयर में, कि सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, तो कितना SO2 प्रेजेंट है हमारे पास। तो सिंपल वो जो आ गया आपके पास कंपोनेंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय टोटल, और इनटू क्या करेंगे आप 10^6 आ गया, ठीक है। दिस इज योर पार्ट्स पर मिलियन, ओके ठीक है। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज योर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, यहाँ से तो क्वेश्चंस बन जाते हैं, मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी, मोलारिटी, दीज थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट बेटा हम लोग बात करते हैं मोल फ्रैक्शन, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, वी डिनोट इट विद द काई। ओके, क्या होता है मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कॉम्पोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कॉम्पोनेंट। देखो नंबर ऑफ मोल्स को हमें पता है हम किससे डिनोट करते हैं, विद एन, ठीक है। तो जिसका भी आपको कैलकुलेट करना है, फॉर एग्जाम्पल समझो, अगर हमने तो बात ही इस चैप्टर में किसकी करनी है, बाइनरी सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं हम, बाइनरी सॉल्यूशन की बात करने वाली हूँ, तो मेरे पास क्या होगा ए होगा, मेरे पास क्या होगा बी होगा, ठीक है। मान लो ए इज सॉल्यूट, बी इज सॉल्वेंट, या वाइस वर्सा, व्हाटएवर यू वांट टू टेक ले लो, ठीक है। अब मान लो मैंने बोला कि ये क्या है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स इसके कैलकुलेट करने हैं, तो ये हो गया एन ए, नंबर ऑफ मोल्स इसके कैलकुलेट करने हैं, तो ये क्या हो गया एन बी, ठीक है। ओके, अगर मुझे बोला है कि मोल फ्रैक्शन काउंट कैलकुलेट करो एक्स ए के लिए, सॉरी ए के लिए, तो मैं क्या लिखूंगी, काय को हम डिनोट कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन के लिए, और ए आ गया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब हमने क्या बोला, फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, ऑब्वियसली बात है जिसके कैलकुलेट कर रहे हैं उसी की बात हो रही है, तो नंबर ऑफ मोल्स किसके आगे, मान लो ये सॉल्यूट, डिवाइडेड बाय व्हाट टोटल जो सॉल्यूशन होगा हमारे पास, तो टोटल में व्हाट डू वी हैव, दो ही तो ले रहे हैं हम, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज व्हाट वी आर टेकिंग, तो ये आ गया एन ए प्लस एन बी आ गया। सेम इसी तरह से यू कैन कैलकुलेट फॉर एक्स बी, एक्स बी भी क्या हो जाएगा आपके पास एन बी, जिसका कैलकुलेट करना है डिवाइडेड बाय टोटल एन ए प्लस एन बी, ठीक है। तो ऐसे आपके पास मोल फ्रैक्शन ए का कैलकुलेट हो गया, मोल फ्रैक्शन बी का कैलकुलेट हो गया, ठीक है। अब बेटा आपको जो एक रिलेशन छोटा सा याद रखना, दैट मोल फ्रैक्शन जो भी होगा मेरे पास दो सॉल्यूशन का, या जितने भी आपने नंबर ऑफ लिए हैं, दे आर इक्वल्स टू व्हाट, इक्वल्स टू व्हाट, ये फ्रैक्शन में आएगा, ये फ्रैक्शन में आएगा, तो उनको ऐड करके क्या आएगा आपके पास वन। तो समटाइम्स क्या होता है ना कि हमें बोला है कि x से कैलकुलेट करो, तो ये क्या हो जाएगा वन माइनस एक्स बी। तो इस तरह से भी आगे क्वेश्चन में चीजें यूज होंगी, ठीक है। ओके, नाउ सी मोल फ्रैक्शन जो है इट इज वेरी यूजफुल, हमारे पास क्या करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बताता है, जैसे वी हैव अ वेपर प्रेशर विद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मतलब बहुत सी जगह पे आपके पास बहुत कैलकुलेशंस में जो है, जहाँ पे भी मिक्सचर्स हैं उन्हें कि कितना कितना मोल्स प्रेजेंट है, वी कैन कैलकुलेट विद दैट, ठीक है। अच्छा एक और चीज, अब यहाँ पे बेटा समटाइम्स क्या होता है ना, नंबर ऑफ मोल्स गिवन होते हैं, बट समटाइम्स नंबर ऑफ मोल्स गिवन नहीं होते हैं, तो वी हैव टू कैलकुलेट दैट नंबर ऑफ मोल्स, है ना।
ओके, नंबर ऑफ मोल्स हम लिख लेते हैं, उसके लिए मैं नेक्स्ट एक चीज कर लेते हैं. ओके, यहाँ पे मैं यहाँ पे कैलकुलेट करती हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. सी, नंबर ऑफ मोल्स दैट इज इक्वल्स टू वेट गिवन ऑफ द सॉल्यूट, जिसका भी आप कैलकुलेट कर रहे हो, जो भी वेट गिवन है सॉल्यूट का, डिवाइडेड बाय, आपके पास वेट आ गया हमारे पास, डिवाइडेड बाय जो उसका क्या है मॉलिक्यूलर मास आ गया. ठीक है, तो बस इस तरह से यू कैन कैलकुलेट एन. एन कैलकुलेट कर दिया तो एन का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, वैसे एन ए के लिए कैलकुलेट करेंगे, फिर आप एन बी के लिए कैलकुलेट करोगे, वैल्यूज पुट करोगे, एंड यू आर गोइंग टू गेट द मोल फ्रैक्शन. ओके ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट वी हैव इज योर, वी हैव अ मोलारिटी. मोलारिटी हम डिनोट करते हैं किस चीज से, वी डिनोट मोलारिटी विद अ कैपिटल एम. ठीक है, मोलारिटी होता क्या है हमारे पास, दैट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने अभी भी आपको बताया, दैट योर वेट गिवन बाय डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास. वैसे आपने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट कैलकुलेट कर दिया, अब आपको क्या दिया होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. लीटर में दिया है वैलेंट गुड, अगर लीटर में नहीं दिया है क्या है मिलीलीटर में दिया होगा, तो क्या आ जाएगा, मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स आ गया हमारे पास सॉल्यूट के, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया हमारे पास किस में होगा, मिलीलीटर में होगा ना, तो अगर मिलीलीटर है तो उसमें क्या कर देंगे, इनटू आपका 1000. ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इनटू 1000. ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें क्या बोला है 0.25. अच्छा, यूनिट भी देख लेते हैं. देखो सी, ये तो मोल्स बाय मोल्स है, तो ये क्या हो जाता है, दिस इज अ यूनिटलेस. मैं यहाँ पे वैसे लिख देती हूँ कि ये क्या है आपके पास, यूनिट लेस है. ओके ओके, नेक्स्ट वी हैव इज योर, कि अगर मैं फॉर एग्जांपल बात करूं ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का क्या आ जाएगा हमारे पास, यूनिट, यूनिट आ जाएगा, वी हैव अ मोल डिवाइडेड बाय व्हाट, लीटर, तो यूनिट क्या बन गया आपके पास, मोल लीटर इनवर्स, ये आ गया इसका यूनिट आ गया. ओके ओके, नेक्स्ट हमने क्या बोला इसमें, कि फॉर एग्जांपल वी हैव अ 0.25 मोल लीटर इनवर्स या फिर 0.25 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH. बस मुझे क्लियरली बोला है कि 0.25 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH. इतनी सी बात जब मुझे बोल दी तो मुझे पता होना चाहिए कि इस लाइन का मतलब क्या हुआ. इस लाइन का क्या मतलब हुआ बेटा, कि 0.25 मोल जो है किसके, NaOH के, सोडियम हाइड्रोक्साइड के, वो डिसॉल्व किए गए हैं 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में. ठीक है, किसमें डिसॉल्व किए हैं, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में या 1000 ml में. ठीक है, तो ये मतलब हुआ हमारे पास मोलारिटी का. क्या होता है मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यूनिट इज मोल लीटर इनवर्स. ओके ओके, नेक्स्ट आ जाओ बेटा हमारे पास, दैट इज योर कंसंट्रेशन ऑफ मोलालिटी. मोलालिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, विद स्मॉल m. अब मोलालिटी क्या होता है हमारे पास, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. अब किस में आ गया, केजी में आ गया. अगर यही चीज मुझे ग्राम में दी होती तो क्या बन जाता हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट. सॉल्वेंट किस में दिया है हमें, केजी में दिया है. अगर ग्राम में दिया होगा तो आप क्या करेंगे, इनटू 1000. ठीक है ओके, तो ये आ गया हमारे पास मोलालिटी का फॉर्मूला. ओके, अब फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये चीज लाइन बोल दिया है ना, तो अब देखो हमें क्या बोला है, हमें बोला है यहाँ पे कि 1.00 मोल केजी इनवर्स, यूनिट भी लिख लेते हैं. अच्छा ओके, यूनिट क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, वी हैव अ यूनिट मोल, मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में है, डिवाइडेड बाय केजी, यूनिट क्या बन गई, मोल, केजी ऊपर चला गया तो किस में हो गया, इनवर्स, द यूनिट इज मोल केजी इनवर्स. ठीक है, अब हमें क्या बोला है, दैट 1.00 मोलर या फिर मोल केजी इनवर्स सॉल्यूशन ऑफ केसीएल. ठीक है, बस इतनी सी लाइन दी है कि इतना सा सॉल्यूशन किसका है हमारे पास, वी हैव अ सॉल्यूशन ऑफ केसीएल. मतलब क्या हुआ इसका, कि 1 मोल ऑफ केसीएल जो है वो डिसॉल्व किया गया है हमारे पास 1 kg ऑफ वाटर में. ठीक है, तो यही चीज हमारे पास, हमने क्या पढ़ी थी आपके पास, मोलारिटी में भी पढ़ी थी. ओके, कि स्पेसिफिकली इतनी सी लाइन भी कोई बोल दे ना कि मेक अ 0.25 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH, तो मतलब क्या हुआ उसके पास, उसका मतलब हुआ कि इतना मोल जो है NaOH का वो आपने 1 लीटर में डिसॉल्व किया है. ठीक है ओके,
अब बेटा हमारे पास क्या है, वी हैव एक लाइन, एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि जो मास परसेंटेज है या पीपीएम है या मोल फ्रैक्शन है या मोलालिटी है, दीज ऑल आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ये सब टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, बट जो आपकी मोलारिटी है, मोलारिटी इट इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट, क्यों, क्योंकि जो मोलारिटी के फॉर्मूला में हमारे पास क्या आता है, इट इज अ इनवर्स ऑफ व्हाट वॉल्यूम, ये वॉल्यूम डिपेंडेंट है और वॉल्यूम किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारे पास टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, और बाकियों में आप क्या पढ़ रहे हो, मास के बारे में पढ़ रहे हो, तो मास डज नॉट डिपेंड अपॉन योर क्या कहते हैं टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, आपने बहुत जगह पे सुना होगा कि जो मोलालिटी है दैट इज अ बेटर ऑप्शन देन अ मोलारिटी, ऑल्दो ऐसा कुछ नहीं, मतलब मोलालिटी क्यों हम बेटर ऑप्शन बोलते हैं, बिकॉज ये टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती है, इसीलिए इसको टेम्परेचर इंडिपेंडेंट बोलते हैं, जबकि जो मोलारिटी है वो क्या करती है, आपके पास टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही है, क्यों डिपेंड कर रही है, क्योंकि वॉल्यूम के साथ इसका रिलेशन है, और वॉल्यूम क्या है हमारे पास, वॉल्यूम इज योर टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने देखो क्या पढ़ा, वी हैव स्टडीड कि हमारे पास सॉल्यूशन क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे पास सॉल्यूशन के, फिर हमने पढ़ा सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, देन वी हैव स्टडीड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, गैसेस सॉल्यूशन किन्हें बोलेंगे, लिक्विड आ गया, सॉलिड सॉल्यूशंस आ गया, देन वी हैव स्टडीड की कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में बात की, क्वालिटेटिवली कैसे बात करते हैं, क्वांटिटेटिवली कैसे बात करते हैं, क्वांटिटेटिवली वी हैव डिस्कस्ड की मास परसेंटेज, अभी बेटा ये जो फॉर्मूलाज बेस्ड है ना, अभी हमें सिर्फ फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, वैल्यूज कैसे पुट करते हैं, क्या है वो हम क्वेश्चन से सब मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगी, ओके। फिर वी हैव अ वॉल्यूम परसेंटेज, देन मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, फिर हमने कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ा, पीपीएम आ गया, वी हैव अ मोल फ्रैक्शन, उसमें भी हमने पढ़ा नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, देन वी हैव अ मोलारिटी, एंड लास्ट वी हैव स्टडीड योर मोलालिटी, ठीक है। तो दिस वॉज योर फर्स्ट लेक्चर, ठीक है, आई होप यू लाइक द लेक्चर, और बेटा अगर इसी सीरीज को पूरा मैं चाहूँ कि आप कंप्लीट करो चैप्टर को, अभी तो ये फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट लेक्चर था हमारे पास, और फर्स्ट लेक्चर वॉज वेरी बेसिक, अभी इसके ऊपर हम क्वेश्चन सीखेंगे, अगर कोई जो भी पी वाई क्यूज आए होंगे वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी, या फिर वी विल सी की लास्ट में हम एक साथ करेंगे, ठीक है, इतना हो जाएगा, फिर इस तरह से नेक्स्ट हमारा लेक्चर जो है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।